गाइस महाबुद्रम टेम्पल देख लिया और वाकई बहुत अच्छा टेम्पल है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इतना ये लेस टूरिस्टी कैसे है। इट्स अ वंडरफुल प्लेस। इफ़ यू आर कमिंग टू बैंकॉक देन इट इज़ अ मस्ट विजिट। मैं अभी बैंकॉक के स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और आज से हमारा 10 दिन का थाईलैंड का ट्रिप शुरू हो गया। क्योंकि थाईलैंड में वीजा ऑन अराइवल फ्री था तो हमने वही कलेक्ट कर लिया। इमिग्रेशन कंप्लीट करने के बाद फ्लूक से परचेस किया हुआ सिम कार्ड एयरपोर्ट पर कलेक्ट कर लिया। हर मेजर एयरपोर्ट की तरह यहाँ पर भी सिटी में जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मेट्रोज, बसेस, शटल बसेस, टैक्सीज और ग्रैब। क्योंकि हर सिटी की तरह यहाँ भी टैक्सी और कैब्स एक्सपेंसिव ही होनी है, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इंक्वायरी करके हम मेट्रो से हॉस्टल के लिए निकल गए। और ये है वो हॉस्टल जो हमने booking.com से बुक किया। थोड़ी देर आराम करने के बाद 3-4 बजे के आसपास हम घूमने निकल गए। For today, we are looking for places which can be covered, like which are nearby. Nearby, because just nearby. It's already 4 and ah, okay, time. Just nearby. From here, yeah. Around here, Chinatown. Okay, it is for street food. Yeah, Chinatown. Okay, yeah. Yeah, around here. Chinatown, this temple. What is the bus transport system in Bangkok? We have bus transport here. But you have to know where you want to go because it's okay. Like we have the number I downloaded this app. It's called Via Bus and it is showing different bus stations so if we know where we want to go then we can search for that bus station and find the buses which go to that place. Okay, so is this a good app? Yes, okay. What's the average fare of bus? From 10 baht. 10 baht, for the bus. Yeah, yeah, they have normal baht, 10 baht. Yeah, 10 baht. But air conditioner. And if conditioner baht is depend on the it depends on the distance. घूमने की शुरुआत हमने महापुत्रम टेम्पल से की बिकॉज वही सबसे पास में था। यहां पर भी रिक्लाइनिंग बुद्धा का एक स्टैच्यू है। गाइस महापुत्रम टेम्पल देख लिया और वाकई बहुत अच्छा टेम्पल है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इतना ये लेस टूरिस्टी कैसे है। इट्स अ वंडरफुल प्लेस। इफ़ यू आर कमिंग टू बैंकॉक देन इट इज़ अ मस्ट विजिट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन विजिटिंग टेम्पल्स। अदरवाइज ठीक है। और फिर द वेरी पॉपुलर टेम्पल ऑफ गोल्डन बुद्धा। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं टेंपल ऑफ द गोल्डन बुद्धा। अनलाइक जो पहला जो टेंपल था उसमें एंट्री फीस नहीं थी, लेकिन इस टेंपल में एंट्री फीस है जो कि है 40 बाट्स व्हिच इज रफली इक्वल्स टू 100 रुपीस। सो लेकिन मुझे लगता है कि वर्थ होगा, बाहर से इतना मस्त दिख रहा है तो अंदर से कितना मस्त होगा ये टेंपल। सो लेट्स सी, अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर एक्चुअली वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो हम आपको तो नहीं दिखा पाएंगे कि अंदर से कैसा है, लेकिन वी विल डेफिनेटली शेयर आवर एक्सपीरियंस कि कैसा था वो, इज इट वर्थ विजिटिंग और नॉट।
A few moments later. रोबट हो गया है. अंदर जाकर टिकट काउंटर पे देखा तो पता चला कि टेंपल का टाइम 5 बजे तक ही है और अभी 5:30 बज रहे हैं. तो टेंपल बंद हो गया तो खाली बस बाहर से ही देख पाए. चाइनाटाउन जाते जाते एक और मंदिर दिख गया. थाईलैंड में भी इंडिया के जैसे मंदिरों की भरमार है. चाइनाटाउन पहुंच गए. अब थोड़ा सा दूर है इसके लिए शायद एकदम क्लियर दिखाई नहीं दे रहा. खाने का तो वेजिटेरियन ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ होगा. जैसे कि ये ये है 60 बाट्स का, विच इज रफली क्लोज टू 150 रुपीस. ये यहाँ की वन ऑफ द पॉपुलर डिशेज है तो हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं. सो आप हमें बताते हैं कैसा टेस्ट है इसका. नॉट बैड. स्टिकी राइस विद मैंगो. अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये ऑप्शन एक ट्राई कर सकते हो. मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगी तो शायद मैं दोबारा ट्राई ना करूँ. लेकिन वही ऐसा पर डिश अलग अलग होता है तो ट्राई करो आप भी. चाइना टाउन जाके आ गए. वहाँ एज सच वेजिटेरियन के लिए कुछ खास ऑप्शन नहीं था खाने का. तो अब देखते हैं कि क्या खाएंगे. भूख तो बहुत लगी है यार सच बोलूँ तो. सुबह से कुछ ज़्यादा खाया है नहीं. आते ही पहले चेक इन करके सो गए थे. उसके बाद में दोपहर में 3-4 बजे के आसपास निकले. तब से कुछ नहीं खाया. फ्लाइट में भी इंडिगो लो कॉस्ट कैरियर है तो और रात का टाइम था तो एज सच कुछ खाया नहीं है. तो अब देखते हैं क्या खाएंगे. चलते चलते वेजिटेरियंस के लिए एक ऑप्शन मिल गया है खाने का. बहुत खुशी हो रही है. तो अभी आपको बताता हूँ कि वेजिटेरियन के लिए ऑप्शन कौन सा है. और वो है जी हाँ 7-Eleven. सेवन इलेवन गए लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस तो थे लेकिन सब कुछ वहाँ पे थाई में लिखा था तो कुछ भी समझ नहीं आया. और जो काउंटर में थे उनसे पूछा तो उनको एक्चुअली इंग्लिश आती नहीं थी इतनी अच्छे से. तो हेल्प करने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन हेल्प नहीं कर पाए. तो फाइनली हमने यहाँ पे 3 नेस्कैफे की ड्रिंक ली है कॉफ़ी. अब देखते हैं आगे हॉस्टल में कुछ खाएंगे या दूसरे 7-Eleven में ट्राई करते हैं कुछ अगर मिल जाए तो. Let's see.